नमस्कार, देश की आवाज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नीतू। आज हम बात करेंगे गुरु और शिष्य के रिश्ते की। गुरु शिष्य का रिश्ता एकलव्य के जैसा होता है, पर कलयुग में गुरु अपने पद और गरिमा को तार तार कर रहे हैं। आए दिन बच्चों के साथ स्कूल कॉलेजेस में छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी हाँ, ताजा मामला गुरुग्राम के फरूक नगर ब्लॉक के खंडेवला सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सामने आया है, जहां स्कूल की छात्राओं का आरोप है कि स्कूल का एक लेक्चरर उनके साथ अश्लील हरकतें और उनको गलत तरीके से छूने की भी कोशिश करता है। मामला सामने आने के बाद छात्राओं के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर इस पूरे मामले की प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल की अनदेखी के बाद परिजन हंगामा करने लगे। स्कूल प्रबंधन की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायतकर्ता छात्राओं से इस मामले की जानकारी ली और आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। फिलहाल शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है। तो इस तरह से गुरुग्राम से खबर सामने आई है, जहां पर स्कूल में एक लेक्चरर के द्वारा इस तरह से छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं, जिसकी शिकायत परिजनों से की गई। परिजनों ने हंगामा किया, पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और अब आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। गुरुग्राम के जो पुलिस स्टेशन फरूक नगर है, वहाँ आज एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें काफ़ी जो स्कूल में तादाद में जो छात्राएं हैं, उन द्वारा एक जूनियर लेक्चरर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है और जो आरोपी है उसको राउंड अप कर लिया गया है, पूछताछ करने उपरांत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो हमने आपको तस्वीर दिखाई गुरुग्राम के एक स्कूल की, जहां पर लेक्चरर के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं। अंदाजा लगा सकते हैं, जब शिक्षक ही ऐसा व्यवहार छात्राओं के साथ करेगा तो उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर कहां सुरक्षित हैं आपकी बेटियां, क्या शिक्षा का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है? आखिर क्यों अध्यापक हैवानियत पर उतरते नजर आ रहे हैं? अभिभावक आखिर करें तो करें किस पर भरोसा? ऐसे प्रिंसिपल पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं होती वक्त रहते सुनवाई? ये तमाम सवाल है आज के। और क्यों हादसों को न्योता दिया जा रहा है? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बच्चों को स्कूल भेजने से अब अभिभावकों को ही डर लगता है। ये वो तमाम सवाल है देश की आवाज के, जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आप अपनी राय हमें फोन के जरिए दे सकते हैं, तो फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज के ये सवाल हम सभी से जुड़े हैं, सभी शिक्षकों से जुड़े हैं, जो कि शिक्षक एक गुरु की भूमिका को अदा करते हैं और ऐसे ही वो करने लगे तो आखिर बच्चे जाए तो जाए कहाँ? अभिभावक आखिर किस पर भरोसा करे? कार्यक्रम का नाम है देश की आवाज। आप अपनी राय हम तक दे सकते हैं फोन कॉल के जरिए, और आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है आज के इन सवालों के लिए, क्योंकि आपकी राय ही इसे बेहतर बना सकती है। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, नंबरों के जरिए आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम है देश की आवाज और आज का मुद्दा गुरुग्राम से जुड़ा है। और इसी के साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं विजय भाटिया समारका से। विजय, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैडम। पहले ही जो बेटियों की संख्या है वो घटती जा रही है, लोग बेटियों को कोख में ही मार देते हैं जी। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बिल्कुल। आज चाहे घर के अंदर हो या फिर सड़कों पर हो या फिर शिक्षा का मंदिर हो, बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि आज ये मामला मैंने गुरुग्राम का आपके चैनल के माध्यम से देखा है जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टीचर का नार्को एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए कि इसकी प्रवृत्ति कैसी थी, असल में ऐसी थी भी। यदि ये पुष्टि हो जाती है कि ये टीचर अपराधी है
तो इसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में फिर कोई नजर उठा के भी ना ऐसी नजर से देख सके हमारी बेटियों को, ताकि अभिभावकों के मन में भी जाए कि हमारी बेटियां के लिए सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस मुस्तैद है, एक संदेश जाएगा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ, इस शिक्षक के खिलाफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कार्यक्रम देश की आवाज में आज हम आपसे तमाम सवाल पूछ रहे हैं, गुरुग्राम के शिक्षा मंदिर से जुड़ी है, जहां पर लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि यहां पर एक लेक्चरर के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की जा रही है, और जिसके बाद परिजनों ने इस मामले की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई भी की गई है। तो आज के सवाल है कि बच्चों को स्कूल भेजने से भी परिजनों को डर लगने लगा है, जब इस तरह के वाक्य स्कूल में होंगे, आखिर आपकी बेटियां कहां सुरक्षित हैं? एक ओर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया है, तो दूसरी ओर इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या शिक्षा का मंदिर आज सुरक्षित नहीं है? आखिर क्यों ये अध्यापक हैवानियत पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं? अभिभावक आखिर किस पर करें भरोसा? ये तमाम वो सवाल हैं जिन पर आज अपनी राय आप रख सकते हैं। कार्यक्रम का नाम है देश की आवाज, हमें कॉल कीजिए और नंबर्स पर आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इन्हीं नंबरों के जरिए आप अपनी राय रख सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम के अगले दर्शक राम सचदेवा जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जैसे जैसे देश बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, ये क्या होता जा रहा है? जो अध्यापक होता है या गुरु होता है, माँ बाप से भी ज्यादा उसको प्यार, माँ बाप से भी ज्यादा उसकी जिम्मेवारी होती है, माँ बाप से भी ज्यादा वो होता है। ऐसा क्या वो हो गया है? लोगों की दिमाग की टेंशन ही खत्म हो गई, वो दिमाग के वो खत्म हो गए क्या? हर चीज की कोई गुंजाइश होती है, सब कुछ होता है। आज भी हम जो पुराने हमारे अमावित 73 साल की उम्र होगी, गुरु मिलते हैं, कहीं भी गुरु मिलता है या मास्टर जी मिलते हैं, उनका पांव छूते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे ऐसा वो स्कूल में कभी ऐसा नहीं होता था। पहले भी कोई दुनिया बसती थी, दुनिया होती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चेन्नई से हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं प्रेम। प्रेम अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं डर से अगर अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। बिल्कुल। इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया है स्कूलों में अगर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए और उसकी एक यूनिट को बगल के पुलिस स्टेशन पर रख दिया जाए, जिससे कि पुलिस उसकी उसके ऊपर में रिकॉर्डिंग को करती रहे, तो इससे कुछ हद तक इस पर अंजाम लग सकता है। क्योंकि न तो इसमें कोई नेता कर सकते हैं, न पुलिस कर सकती है, क्योंकि जब इवेंट हो जाता है उसके बाद ये काम होता है। अगर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे तो 80% तक तो इस पर लगाम लगाई जा सकती है, और दूसरे कोई उपाय नहीं है। किसी की मन स्थिति आजकल पता नहीं लगती है, नेता हो चाहे पुलिस हो चाहे आम पब्लिक हो, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और स्कूल के बाहर भी थोड़ी बहुत एरिया में सीसीटीवी लगा दिए जाए, जिससे मन चले किसी को छेड़ते हो उसका भी पता लग जाए। मैम मेरी राय तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ गाजियाबाद से हमारे अगले दर्शक अंकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर अपनी राय पहुंचा सकते हैं। जी लगातार ये जो बेटियों के साथ अन्याय होता चला जा रहा है, लगातार ये न्यूज में आती चली आ रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं रहा है। रूप बदलते रहते हैं इन लोगों के, चाहे टीचर के रूप में हो, चाहे बाहर सड़क पर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे हर जगह। इसके कारण सीधे सीधे कानून व्यवस्था की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो टीचरों के साथ है। आज टीचर ये सब आ रहे हैं, और आपके कार्यक्रम में पहले भी इस तरह की न्यूज आई थी, टीचर ने छात्राओं के साथ कुछ गलत काम करा था। तो इसके लिए सबसे बात भी कोर्ट और वो है नेताओं की, नेता कोर्ट और पुलिस की कमी है, क्योंकि लगातार जितने घटनाएं बढ़ेंगी और सजा होगी नहीं, जब सजा नहीं होगी तो लोगों के हौसले बुलंद होंगे। जी इसके कारण ये सब होता है, इसके कारण हमारे लिए कानून की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। अदी अवस्थी जी ने बेटियों के बारे में कहा था इस तरह की बात करनी चाहिए, और हमारे देश के नेता किसी भी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी के हो, अब समाजवादी पार्टी संदीप चौधरी हुए,
या साक्षी कुमार जोशी, इन पर दलित सर का आरोप है, इन्हें सजा मिली नहीं मिली? क्यों? क्योंकि ये नेता है तो इससे हौसले बुलंद होते हैं। जब तक इन नेताओं को नहीं कुचला जाएगा, इन नेताओं को जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक हमारी बेटियां घर में सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि नेता ही हर चीज की जड़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ सिरसा से हमारे दर्शक बलदेव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलदेव अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जी इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जी पहला कारण तो है कि हमारी बारी के संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागना, दूसरा है स्मार्टफोन जो आजकल चले हुए हैं उनका, तीसरा जो ये टीवी के अंदर नाटक वगैरह आते हैं वो इतने अश्लील होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उनसे गलत उनके ऊपर वो हो जाता है, चौथा जो है कि हमारे ये प्राइवेट संस्थाएं खोलना जिनमें आज उनका मकसद सिर्फ पैसा है न कि उनको टीचिंग करवाना, और चौथा कारण है जो ये रिजर्वेशन की कम एक जाति आधार के ऊपर नौकरी देना और उसको उसकी योग्यता को दरकिनार करके आरक्षण जो ये है, इसका भी यही कारण है कि वो जो दंसर पड़े हुए बच्चे नहीं होते जो ऊटपटांग करके उसमें टीचर लग जाते हैं उनका काम यही है, दूसरा बच्चे नाबालिग होते हैं जबकि वो उस चीज को देखते नहीं, जब पिक्चरों में टीवी पर और स्मार्टफोन में उल्ट गेट चीज देखते हैं तो वो अकेले टीचरों का ही दोष नहीं, उन बच्चों का भी है और उनके साथ में उन माँ बाप का भी है जो उनको फोन प्रोवाइड करवा रहे हैं जो अच्छे काम के लिए नहीं, या तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि ये जो ऐसे जो दृश्य हैं वो बिल्कुल बैन कर देने चाहिए, पर तो ये जो आज भी नारी वो संस्था सशक्तिकरण की है वो बजाय इनको बंद करवाएंगे वो फैशन को बढ़ावा दे रही हैं और भारतीय सभ्यता के बजाय वो पश्चिमी सभ्यता के को बढ़ावा दे रही हैं, इसके कारण यही हैं और इसका कोई कारण नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक अमरजीत जीन से जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैम। जी मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये पढ़ी लिखी पंचायतें हैं हमारे वो इसलिए बनी हुई है, हम विधायकों के पारा जो दोष होता है विधायकों के ऊपर थोप देते हैं, विधायक से पहले तो हमारे गांव की पंचायत आती है, अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो पंचायत तो हो उसका आपके 10 दिन में कोई भी स्कूल हो उसका संज्ञान लेना चाहिए कि पढ़ाई बच्चों की हो रही है कि नहीं, कि कोई मास्टर गलत हरकत नहीं कर रहा, कोई प्रिंसिपल गलत हरकत नहीं कर रहा लड़कियों के साथ, तो सारा मैं तो यही मानती हूँ कि सारा दोष पंचायत का होता है। हमारे गांव में है जैसे मेरी लड़कियां भी पढ़ी है अभी एम एस सी की है मेरी लड़कियों ने, तो 12वीं तक का स्कूल था तो हफ्ते में एक बार पंचायत जरूर जाके देखती थी कि लड़कियों के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं हो रही, कोई बच्चा छेड़खानी तो नहीं कर रहा, अब ये सारी बात जा गया हम नेताओं के ऊपर थोपेंगे थोपेंगे तो ये तो ठीक नहीं है हमारे लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम देश की आवाज में हम आपसे तमाम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या शिक्षा का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल गुरुग्राम के एक स्कूल से ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पर लेक्चरर के द्वारा यहां की छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की जा रही थी और उसके बाद अभिभावकों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई, पुलिस ने हालांकि मामले में संज्ञान लिया है और गिरफ्तार कर लिया है लेक्चरर को, लेकिन तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं रहती है इस तरह के मामलों में समय रहते सुनवाई। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं, फोन करके अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्यों ऐसे हादसों को न्योता दिया जा रहा है और ऐसे में अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर लगने लगा है, एक ओर बच्चों को पढ़ाने की बात की जा रही है सरकार की ओर से लेकिन दूसरी ओर इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, आखिर परिजन अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, तमाम तरह के ये सवाल हैं और जिन पर आज अपनी राय हम तक आप पहुंचा सकते हैं, क्यों अध्यापक इस तरह से कदम उठा रहे हैं और हैवानियत पर उतर आते हैं, अभिभावकों को स्कूल भेजने से भी डर लगता है अपने बच्चों को और ऐसे प्रिंसिपल पर आखिर क्यों नहीं समय रहते कार्रवाई की जाती है, शिक्षा का वो मंदिर जहां पर गुरु को ज्ञान
देने के लिए रखा गया है ताकि गुरु ज्ञान बच्चों को दे सके, लेकिन जब गुरु के द्वारा ही इस तरह से अश्लील हरकतें की जाएंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कहाँ तक जा चुका है, शिक्षा का सम्मान कितना इन गुरुओं के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं गुरुग्राम की ये खबर, और इसी खबर के बाद हमने आपसे सवाल पूछे हैं। तमाम तरह के ये वो सवाल हैं कि आखिर क्यों अध्यापक इस तरह हैवान बनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि क्या सही और क्या गलत है, इसके बावजूद भी इस तरह की अश्लील घटनाएं स्कूलों में देखने को मिल रही हैं, और ऐसे प्रिंसिपल पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। आप अपनी राय रख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर्स आपके सामने हैं, ये वो नंबर्स हैं जिन पर आपको अपनी राय हम तक पहुंचानी है। और कार्यक्रम का नाम है देश की आवाज़। देश की आवाज़ में हमेशा हम ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहते हैं जो कि समाज से जुड़े हैं, और इन्हीं मुद्दों में आज का मुद्दा भी शामिल है जो कि गुरु और शिष्या के रिश्ते को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। तमाम तरह के सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर आज आपको हमें अपनी राय देनी है। आखिर क्यों अध्यापक इस तरह से हैवानियत कर रहे हैं, उन्हें अपने सम्मान का ध्यान नहीं है, और शिक्षा के मंदिर में इस तरह की अश्लील घटनाएं सामने आना एक सवालिया निशान भी लगाता है। एक ओर बच्चों को पढ़ाने की बात की जाती है तो दूसरी ओर उन्हीं के साथ शिक्षा के इस मंदिर में यानी कि स्कूल में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जो कि बच्चों की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान लगाने के लिए ही काफ़ी है। तो वहीं आज के सवाल भी हम आपसे लगातार पूछ रहे हैं और जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आखिर कहाँ सुरक्षित है बेटियाँ, और अभिभावक अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें तो भेजें कैसे, क्योंकि उन्हें स्कूल भेजने से भी डर लगता है। अध्यापक क्योंकि हैवान बनते नजर आ रहे हैं, उन्हें शिक्षा देने की ओर ध्यान नहीं है बल्कि अश्लील हरकतों में वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और इसी के साथ यमुनानगर से हमारे अगले दर्शक राजेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश अपनी राय रख सकते हैं। जी राजेश लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम देश की आवाज में हमने आपसे ये सवाल पूछे हैं शिक्षा से लेकर, और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक नागेंद्र सिंह नेगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र अपनी राय रख सकते हैं। मैडम नमस्कार। जी मैडम, सरकार घाट हिमाचल से बोल रहा हूँ। जी मैडम, अफसोस इस बात का है कि गुरुग्राम जो कि गुरु विश्वामित्र के नाम पर पड़ा था गुड़गांव से, और जहां पर पांडवों ने शिक्षा ली थी और देश को एक नई दिशा दी थी और दशा सुधारने के लिए एक संकल्प लिया था, बिल्कुल वहां पर भी अगर रक्षक अगर भक्षक बन जाए और ये बाढ़ जो है खेतों को खाना शुरू कर दे तो समझ नहीं आता कि दूर दराज के क्षेत्रों में हालात क्या होंगे। अब कहाँ कहाँ बेटियों को बचाया जाए मैडम जी, कहाँ मास्टरों से बचाया जाए, रिश्तेदारों से बचाया जाए, या छिछोरे लड़कों से बचाया जाए, कहाँ हर जगह मतलब। अब बेटियों की तो ये स्थिति हो गया कि ठीक कहा एक पूर्व वक्ता ने कि मतलब भ्रूण हत्या गर्भ से लेकर के कब्र तक और कोख से लेकर के गोद तक जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे तो ऐसा लगता है इन बेटियों का अस्तित्व ही खतरे में हो गया है। अब ये देखिए आपकी ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ये कहाँ तक मतलब, ये 65% युवा भारत होने की हम एक गर्व करते हैं, लेकिन जहाँ पर समाज शिक्षित समाज और वो टीचर वर्ग जो सुशिक्षित हैं, शिक्षित हैं लेकिन सुशिक्षित नहीं है, अब कोई संस्कार नहीं है, कोई संस्कृति नहीं जिन टीचरों की, वो लोग इस तरह की हरकतें करें तो अपने बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं कहाँ। अब ये इन बातों से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं तो अभिभावकों को एक बात कहूंगा कि बेटियों को दब्बू मत बनने दीजिए, और मैं इन बेटियों को मुबारकबाद कहूंगा कि उन्होंने कम से कम आवाज तो उठाई, और ये अपने बेटों को और इन टीचरों को जरूर एक संस्कार और संस्कृति के बारे में बताया जाए भारत की, और ये महिला पुलिस और महिलाओं के माध्यम से इन बेटियों में जो है वो आत्मविश्वास भरा जाए।
और पुलिस जिस तरह से समझौते करवाती है ये और पैसे ले देकर या किसी तरह जो है वो इन बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, वो ऐसा करने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा जाए। ये देश वो देश है जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अभी 5 सितंबर को ही टीचर डे मनाया, अब क्या ये समाज को ये नई दिशा दे रहे हैं। और बेटियों को हमें प्राय धन नहीं समझना चाहिए, ये हमारी राष्ट्र का मूल धन है और हम सब की एक विसल ब्लोअर बन करके एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हर जगह पुलिस नहीं खड़ी हो सकती, जहाँ कहीं भी ऐसे बच्चों को हमारी जरूरत पड़ती है और इन बेटियों को आत्म सुरक्षा के लिए जूडो कराटे के गुण सिखाए जाए ताकि ये कम से कम मुकाबला तो कर सके। बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अहमद खंडवा से हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अहमद, अपनी राय आप रख सकते हैं। जी असल में मैं तो दूसरे फोन लगाया था, शिक्षा विभाग के ताल्लुक से लगाया था फोन। जी अहमद, तो आपको बता दें कि आज देश की आवाज में हमने आपसे तमाम तरह के सवाल पूछे हैं शिक्षा के मंदिर से जुड़े हुए। क्या शिक्षा के मंदिर भी बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं है और अध्यापक इस तरह से हैवानियत पर क्यों उतरते जा रहे हैं? तमाम तरह के सवाल हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन्हीं नंबरों के जरिए आप अपनी राय कार्यक्रम में हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम से एक ऐसा मामला हमने आपको बताया है जिस पर आपसे राय भी ले रहे हैं। गुरुग्राम के एक स्कूल से तस्वीर सामने आई जहाँ पर अध्यापक के द्वारा बच्चियों से अश्लील हरकतें की जाती हैं और जिसके बाद हालांकि परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई, पुलिस ने भी संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कई सवाल इस घटनाक्रम के बाद हम सभी के सामने आ रहे हैं कि आखिर कहाँ सुरक्षित है बेटियाँ, क्योंकि अभिभावक अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए उन्हें स्कूल भेजते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी बच्चियाँ स्कूल में महफूज हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यापकों के द्वारा इस तरह से हरकतें की जा रही हैं जो कि शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, गुरु और शिष्य के रिश्ते को भी शर्मसार करने वाली तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई हैं। तो ऐसे में अभिभावक करें तो करें, क्या करें, वो कहां पर अपने बच्चों को भेजें ताकि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो और उनका सम्मान भी हो सके? आखिर इस तरह के हादसे को न्योता क्यों दिया जा रहा है? और इसी के साथ कार्यक्रम के अगले दर्शक दिलावर सिंह भिवानी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हाँ मैडम, ऐसा है कि ये जो टीचर है ना मेल खास करके, वो सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं, बच्चों के साथ भी सोडा में करते हैं। जी, तो इसके लिए एक तो सबसे मुश्किल ये होगी हमारे लिए कि हम मेजोरिटी ऑफ द टीचर है ना, वो बिल्कुल मेल है। जी, तो कम से कम 50-50% कर दिया जाए, 50% टीचर और 50% मेल, या 60% फीमेल और 40% मेल, ऐसे करके हो सकता है कि जो बच्चियां जाती हैं उनको कब दिखे कि हमारी जो ये गार्जियन ही होती है एक तरह के टीचर, तो लेडीज ज्यादा हैं इसके अंदर, तो उनकी हिम्मत सी बनी रहेगी और उनको कोई बात कह सकते हैं अपनी। जी, और उसके बाद दूसरा ऐसा है कानून में भी एक जरूरी है, जैसे कोई जेलर है, जेलर अगर किसी लेडी कैदी से कुछ ऐसा कुछ कर जाए, उसके लिए कोई, मैंने सुना है कि स्पेशल एक वो बनाया गया कानून की उनको ज्यादा सजा दी जाती है। जी, तो इस तरीके से जो टीचर वगैरह है उनके लिए कोई ऐसा कानून लाया जाए, बिल पास हो, जिसके तहत भाई उनको डबल सजा का कोई प्रोविजन हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें इसी के साथ कार्यक्रम के अगली दर्शक कौशल्या फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकती हैं। मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब भी देखो स्कूल छोड़ के बच्ची मंदिरों में पढ़ रही है, क्या सरकार सोई हुई है, जाग नहीं सकती, देख नहीं सकती? मतलब भी कट्टर जी वैसे तो फिरते इतने बड़े बड़े मतलब भी भाषण देते हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि आज देश की आवाज में हमने आपसे तमाम तरह के सवाल पूछे हैं। और इसी के साथ करनाल से अगले दर्शक योगेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, योगेश अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार।
मैडम जी जो ये है बातें हैं जो स्कूल में हो रही है, सड़कों पे महिलाओं के साथ हो रही है, मैडम हम तो खुद परेशान है, मतलब जनता तो परेशान है। आप ये बातें मंत्रियों से क्यों नहीं पूछते कि भी आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि भी जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं स्कूल में जाती हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कानून बनाओ कि भी किसी के अंदर डर तो पैदा हो। लेकिन नहीं कर सकते हम, क्यों? ये जनता, मैडम जनता तो खुद भी परेशान है, कहाँ कहाँ जाए, बच्चों को घर में बचाए, स्कूल में बचाए, या किसी मंत्री से बचाए, या किसी पुलिस वाले से बचाए, किससे बचाए लोग? अब ये बताओ, जब प्रधानमंत्री के सामने एक मंत्री महिला को छेड़ देता है स्टेज पे खड़े होकर, मंत्री जब चुप रहते हैं, कठुआ में महिला लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, जब तिरंगा यात्रा निकल सकती है लेकिन उन नाव पे कोई बोल नहीं सकता, मैं इनके मंत्री के रेप केस करते हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, जब भी ये सारे चुप बैठे रहते हैं, या कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, एनएलए हो, कोई भी हो पार्टी, मैडम किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन जब चुनाव आएंगे, अब जैसे हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, अब हर एक चीज जाग जाएंगे क्योंकि हम। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में हमने गुरुग्राम की तस्वीर दिखाई जहां पर शिक्षा के मंदिर में अध्यापक के द्वारा छात्राओं से अश्लील हरकतें की जा रही थी। ऐसे में कुल मिलाकर आप सभी ने अपनी राय रखी। देखा जाए तो हर किसी को अपने रोल को महत्वपूर्ण तरीके से निभाना चाहिए, छात्राओं को भी अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक होना होगा, तभी समस्या से निजात मिल पाएगी। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ आपके अपने कार्यक्रम देश की आवाज में। अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।